वो बात नहीं है, मतलब नॉर्मल पूछेंगे आप पढ़ रहे हो या नहीं, कैसे पढ़ते हो या कुछ नॉर्मल। सर मतलब लीव कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हां तो मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहा है। पूछो प्लीज, माइक तो लीजिए। पकड़ तीनों साथ में ले लो यार, पकड़ ले इसे तू। हेलो, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम आयुषी है। हर्षा। मधु। ओके, सो आप लोग नीट कर रहे हो? ठीक है। अभी ड्रॉपर हो या ट्वेल्थ में हो? ड्रॉपर। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। ओके, सो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? ठीक चल रही है। तो अभी टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है? 300 या 350 तक के आ रहा है। 320, 350। ओके, तो क्या कमी रह रही है, मतलब कहाँ लेक कर रहे हो आप लोग? हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स से ही वीक है। अच्छा, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में काम नहीं कर रहे हो आप ज़्यादा? नहीं, हमारा मतलब ऐसा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस ज़्यादा लग रही है। हाँ? इस कारण हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे उनको। ओके, तो आप लोगों का मतलब जो टॉपर स्टूडेंट है उनसे कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है उनसे। ओके, तो एक मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं आप उनके साथ में होना शुरू करो। अच्छा। तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि वो लोग कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं, है ना। आपके अगर 300 आ रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आप 400 तक भी जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप काम कम ही कर रहे हो, शायद आप कर ही नहीं रहे हो, है ना। वही समझो। हाँ, क्या? क्योंकि बायो में कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों का? बायो नंबर आ रहे हैं वो बायो के ही आ रहे हैं। हाँ, है ना, वही मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में समथिंग आपके 40 या 30-70 के आसपास रहते होंगे। ठीक है, ओके, मतलब अभी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री टफ लगता है। ठीक है, और आकाश कोचिंग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसी है? ऑनेस्टली बताइए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी हिंदी की जो फैकल्टी वगैरह है ना वो ठीक नहीं है, मतलब वो प्योर हिंदी में नहीं पढ़ाते होंगे शायद। नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं, डाउट वगैरह सब क्लियर होते हैं। ओके, और अभी आप लोग बायो कैसे पढ़ रहे हो? बायो एनसीआरटी वगैरह। पूरा एनसीआरटी से? हाँ, मतलब कोचिंग से भी, मतलब जो मॉड्यूल वगैरह मिले एनसीआरटी में, बहुत सारे मतलब मिले उनको लगाते हैं। ओके, और बाहर तो नहीं कुछ पढ़ रहे, मतलब गाइड वगैरह तो नहीं? नहीं, बाहर से नहीं कुछ पढ़ रहे। और अभी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो यहाँ पे? मॉक टेस्ट मतलब हमारा ओके AITS चल रहा है। ठीक है, तो AITS मतलब पूरा कंप्लीट आता होगा उसमें सिलेबस? हाँ, नहीं मतलब चैप्टर वाइज आ रहा है। चैप्टर वाइज आता है। ठीक है, तो अभी कितने दिन में टेस्ट हो रहे हैं आपके? अभी तो 10-10 दिन में ही होते हैं। ओके, तो आप सारे टेस्ट दे रहे हो? हाँ। और टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करते हो या नहीं? हाँ। नहीं करते हो? नहीं करते। ये सच्चाई है? नहीं करते। बहुत सारे बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं और उसका ये रिजल्ट होता है कि ना, बच्चे टेस्ट देते हैं, जैसे आज संडे है, टेस्ट दिया, वो टेस्ट देने के बाद इतना बर्डन लूज होता है कि हाँ ठीक है आप आराम करेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप प्लीज़ एनालिसिस करो, है ना, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आप अपनी मिस्टेक्स को ध्यान में नहीं रख पाओगे और वही मिस्टेक आप नेक्स्ट टेस्ट में करोगे। हाँ। और इसीलिए आपके मार्क्स 300, 250, 320 रह रहा है ना। तो आप अगर टेस्ट दो, आज आपका टेस्ट है, आप रूम पे जाओ, खाना वाना खाओ, मस्त मतलब उसको एनालिसिस करो और ये देखो कि कौन से चैप्टर से अपने क्वेश्चन नहीं बन रहे, और अगर नहीं बन रहे तो उसको प्लीज़ पढ़ो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लो।